हाय फ्रेंड, आज मैं आपको KT 1150 में जो हमारा कैंप फॉलोअर होता है वो कैसा होता है, आज हम आपको उसी के बारे में दिखाएंगे कि कैंप फॉलोअर को हम कैसे असेंबल करते हैं और उसमें क्या क्या चीज़ लगता है। तो आइए आज हम आपको उसी के बारे में पूरा डिटेल बताएंगे और ये फिगर के द्वारा ही हम आपको पूरा डीलिंग कर देंगे, क्योंकि उसमें हमको क्या क्या आइटम लगते हैं। जैसे रोलर है हमारा, उसमें वो शाफ्ट बुश वाली जो शाफ्ट होती है वो रहता है, उसमें ऑलरेडी बुश लगा रहता है। और उसमें मेन होता क्या है कि मेन शाफ्ट होता है, शाफ्ट में जो उसमें होता क्या है कि दो घाट की तरह दोनों साइड में बना होता है। और उसमें जो है तीन कैम फॉलोअर लगते हैं, क्योंकि दो तो हमारे वाल्व के हो जाते हैं, एक हमारा इंजेक्टर का हो जाता है। और उसको हमको लॉक करने के लिए उसके दोनों साइड में एक सरक्लिप लगती है, वो तो सरक्लिप लगा देते हैं तो उससे हमारा जो है कैम फॉलोअर का जो रोलर या कैम फॉलोअर जो है हमारा इधर उधर नहीं, कहीं भी मिसप्लेस नहीं होता है कि हमारा जो है कभी कैम शाफ्ट से हमारा इधर उधर सरक जाए, तो इसीलिए उसको हम लगाते हैं। और जो कैम से जो कैम फॉलोअर का जो शाफ्ट होता है उसमें घाट की तरह होता है, क्योंकि जो हमारा ब्लॉक में होता है उसमें एक डबल टाइप से बना रहता है, तो वो उसी में डबल में जाके वो बैठ जाता है, क्योंकि उसी के थ्रू हमारा एक आयल की गैलरी रहती है जिसके थ्रू जो है हमारा एक कैम फॉलोअर को जो है लुब्रिकेशन के लिए आयल मिलता रहता है। तो आइए आज हम आपको उसी के बारे में पूरी डिटेल बता देते हैं। हाय फ्रेंड, ये देखिए, ये हमारा जो है वाल्व का ये है रोलर असेंबली है, क्योंकि ये कैम फॉलोअर में दो वाल्व के लगते हैं और एक इंजेक्टर के लगते हैं। तो ये हम देखिए, ये जो है वाल्व का रोलर है, क्योंकि वाल्व का रोलर जब भी होता है उसका साइज जो है मतलब उसकी थिकनेस जो है कम होती है। और हमारा इंजेक्टर का रोलर का थिकनेस, ये देखिए, ये हमारा इंजेक्टर का रोलर असेंबली है, इसकी जो थिकनेस देखिए इसकी मोटी होती है, क्योंकि इसका पुशरॉड भी थोड़ा मोटा होता है, इसीलिए जो है इस हिसाब से इसको रोलर को साइज़ जो है बनाया जाता है, क्योंकि ये कंपनी का रिकमेंडेड है। ये देखिए, ये कैम फॉलोअर असेंबली है, इसमें जो है नीचे जो रोलर और बुश के साथ लगा हुआ है। और ये देखिए साइड में, दोनों साइड में एक क्लैंप लगा होता है। ये देखिए, ये जो बीच में जो रोलर के उसमें दिख रहा है वो देखिए, उसमें उसको साकेट बोलते हैं, क्योंकि साकेट भी बहुत ज़रूरी होता है। ये देखिए, ये जो साइड में देखिए ये क्लिप दिखा रहा है, इसी क्लिप को दोनों साइड से उसमें बना रहता है, तो उसी में हम उसको लॉक कर देते हैं, ताकि हमारा ये जो वाल्व का जो ये हमारा रॉकर लीवर है ये इधर उधर मिसप्लेस ना हो। देखिए ये सॉकेट है, ये सॉकेट जो अभी हम आपको आगे भी दिखा देंगे कि सॉकेट मतलब दोनों साइड से कैसा दिखता है। तो ये देखिए, इसमें एक साइड में सॉकेट का दिखा रहे हैं, एक साइड में रोलर दिखा रहे हैं, क्योंकि इसी सॉकेट पे जो है हमारा पुशरॉड आगे बढ़ता है। ये देखिए, ये सॉकेट का जो है दोनों साइड से, क्योंकि नीचे वाला जो है नीचे बढ़ जाता है, ऊपर ये जो पोर्शन गोल वाला दिख रहा है इसी में जो है हमारा पुशरॉड जो है आकर लग जाता है। तो यही हमारा जो है, ये अधिकतर KT 1150, ये देखिए ये जो इसमें स्लॉट बना हुआ है यही जो है ब्लॉक में जो डबल होता है उसी में जाके ये फिट हो जाता है, और इसको बोल्ट के द्वारा जो इसको टाइट कर दे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया इसको लाइक सब्सक्राइब